जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप शेयर करो थोड़ा सत्संग को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और ये सत्संग को सुन सकें, क्योंकि बोलते हैं कि सत्संग सुनने से भी भला होता है और सत्संग करने से भी भला होता है। तो आज का सत्संग गुरुजी ने प्लान किया है और गुरुजी ही करवा रहे हैं। सब कुछ करवाने वाले गुरुजी हैं, सब कुछ करने वाले गुरुजी हैं। हम गुरुजी के सामने मतलब कुछ नहीं है, गुरुजी हमारे लिए सब कुछ हैं। और जब हम गुरुजी की तरफ चल पड़ते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं, तो गुरुजी हमारी तरफ जो है 10 कदम बढ़ाते हैं। 10 कदम नहीं, मुझे तो लगता है 100 कदम बढ़ाते हैं। 10 तो ज़्यादा बोल कम बोल दिया सॉरी। तो गुरुजी जो हैं भगवान शिव हैं, और इसलिए हमें चाहिए कि हम गुरुजी की रजा में रहें। जब हम भगवान की रजा में राजी रहते हैं तो हमारा कभी भी बुरा नहीं होता। तो हमें जो है पूर्ण भाव से खुद को गुरुजी को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम खुद को गुरुजी को समर्पित कर देते हैं तो हमारे जितने भी कर्म होते हैं, एक तो वो कटते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हमारे में जो अवगुण होते हैं, जो हमारी खराब आदतें होती हैं, वो ख़त्म होती हैं। और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी आदतें कुछ ख़राब थी, जिनकी वजह से हम खुद परेशान थे कि हम ये आदत को छोड़ पाएँ, लेकिन हम उसे छोड़ नहीं पाते। जितनी भी आदतें हैं जो ख़राब होती हैं, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। तो जब आप गुरु जी को खुद को समर्पित कर देते हो, तो पहली बात तो आप फिर चिंता नहीं करते, फिर उस टाइम आप चिंतन करते हो। तो जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं, तो हम खुद को गुरु जी को समर्पित कर देते हैं, तो हम फिर चिंता नहीं होती, हम फिर चिंता नहीं करते, हम सिर्फ चिंतन करते हैं। और जब हम चिंतन करते हैं चिंता करने की बजाय, तो हमारे जो और भी कर्म होते हैं वो कट जाते हैं, जिन्हें हम प्रारब्ध के कर्म बोलते हैं, है ना। क्योंकि एक तो होता है जाने अनजाने में किया गया पाप, वो तो गुरु जी ख़त्म करते ही करते हैं। जो हम जानबूझ के करते हैं, हमें पता है कि ये गलत है, मतलब गुरुजी से जुड़ने से पहले वो हमारा जो प्रारब्ध होता है, वो टाइम इतना खतरनाक होता है कि हमारा जो खुद पे नियंत्रण होता है, उसको हम खो देते हैं। वो इसलिए खो देते हैं क्योंकि हमने पिछले जन्म में कुछ गलत किया था, और अगले जन्म का समय जो हमारी ज़िंदगी में वही दोबारा से आता है, हम फिर उसको करते हैं, करने का सोचते हैं कि हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए, तो हम उसको कर देते हैं। और फिर उसके बाद जब आपकी ज़िंदगी में गुरुजी जुड़ जाते हैं ना, तो फिर जो प्रारब्ध है वो आपकी लाइफ में मतलब दोबारा नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि जो आपने बुरा किया होता है, वो आपको इस जीवन में मतलब दोबारा नहीं कर पाते आप, क्योंकि आपके साथ गुरुजी होते हैं। और जब किसी के साथ गुरुजी चलते हैं, तो वो इंसान अपने सारे अवगुणों को ख़त्म कर देता है। इंसान क्या ख़त्म करता है, गुरुजी ही जितने भी उसके अवगुण होते हैं वो ख़त्म कर देते हैं। हमारी जितनी भी बुरी आदतें हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं, और हम एक प्योर आत्मा मतलब प्योर सोल, एक साफ आत्मा बन जाते हैं। और जब हम रोज़ सत्संग करते हैं, डेली सत्संग करते हैं, तो उससे हमारे एक तो कर्म कटते हैं, धीरे धीरे हमारी आत्मा भी साफ होती है, और हमारी आत्मा का जो स्तर है वो भी थोड़ा ऊपर होने लगता है। और जब आत्मा का स्तर ऊपर होता है, तो जो आत्मा होती है वो एक देवता के समान बन जाती है। और जब एक आत्मा देवता के समान बनती है, तो उसके दिल में किसी के लिए किसी तरह का भी भेदभाव नहीं होता, मतलब वो किसी से जेलसी नहीं करता,
और वो किसी से मतलब किसी का कभी बुरा नहीं सोचता। और इस आज के टाइम में सिर्फ गुरुजी की संगत ही मुझे लगता है ऐसी है जो अपने दिल में किसी के लिए गलत नहीं सोचता या फिर गलत नहीं सोचती, जो कभी किसी का बुरा करने का मतलब जिनका कभी ख्याल भी नहीं आता, और जो हमेशा मतलब गुरुजी के दिए हुए मतलब जो गुरुजी हमें देते हैं, जो गुरुजी हमें चीज़ें बख्शते हैं, उन चीज़ों में खुश रहता है। और जो गुरुजी की रजा में खुश रहता है वो कभी भी मतलब उसको कोई भी दुनिया की ताकत ऐसी है जो हरा नहीं सकती। और जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो सबसे पहले तो हमारे अंदर का जो शैतान है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे साथ जब एक दिव्य शक्ति जुड़ती है तो उसका युद्ध सबसे पहले हमारे अंदर जो बैठा है शैतान है मतलब उसके साथ होता है। वो कैसे होता है कि हमारे अंदर दो तरह के गण होते हैं, एक होते हैं देवगण और एक होते हैं राक्षस गण। ठीक है, अगर हम अच्छे काम करते हैं तो फिर जो उस देवगण का लेवल है वो बढ़ता रहता है धीरे धीरे करके, वो एक अच्छी आत्मा बन जाता है। और जब हम हमें पता है कि ये बुरा है लेकिन फिर भी हम बुरा काम करते हैं, तो वो जो राक्षस गण है, जो हमारे अंदर का शैतान है, वो और भी शक्तिशाली हो जाता है ना। तो फिर जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो सबसे पहले गुरुजी हमारे हमें साफ करके, हमारी सोल को साफ करके, हमारी आत्मा को साफ करके उसका स्तर बढ़ा देते हैं, और हमारे अंदर का जो शैतान होता है उसको खत्म कर देते हैं। जब हमारे अंदर की पांच चीजें खत्म हो जाती हैं, जो हमारे पांच दुश्मन हैं, लाइक काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, जब ये पांच चीजें खत्म हो जाती हैं तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें हमारे जो सपने हैं वो भी अच्छे अच्छे आते हैं। हम अपने सपनों में या तो गुरु जी के दर्शन कर रहे होते हैं या शिव जी के दर्शन कर रहे होते हैं, नई नई चीजें होती हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि हमने जो है अपने पांच शत्रुओं को हरा दिया है। तो इसलिए बोलते हैं कि जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो तभी गुरु जी बोलते हैं कि आपको पांच सीढ़ियां चढ़ के आना है, जो ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार है उनको उनको मतलब कि अपने पैरों के नीचे दबा के फिर हमारे मतलब कि फिर मेरे पास आना है, ऐसा गुरु जी कहते हैं। और देखो, इंसान का सबसे पहला दुश्मन होता है काम। ठीक है, और जो मतलब गुरु जी के भक्त होते हैं वो जो होते हैं काम को दहन करने में सबसे नंबर वन पे होते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने कामदेव को जला दिया था, है ना। तो इसलिए जो गुरुजी के भक्त होते हैं उनको ये सब चीजें तंग नहीं करती, उनके ऊपर माया का वो पहरा नहीं होता जो बाकी लोगों के ऊपर होता है। उनके जो काम है, जितने भी काम है, वो धीरे 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 करके वो खत्म होते जाते हैं। अगर अपनी जिंदगी का मैं आपको अनुभव बताऊं तो मैं ट्रैक से मतलब उतर गया था, मैं गलत रस्ते पे चला गया था, लेकिन तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा था। तब मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब शिव जी को मानता था, मानता तो अब भी हूँ, गुरु जी ही शिव जी हैं, लेकिन गुरु रूप में आकर शिव जी ने हमारा उद्धार कर दिया है। तो ऐसा हुआ था कि मैं जब मतलब ट्रैक से उतरा था तो आई थिंक 12th या +1 में था मैं। फिर उस टाइम मैंने गलत लड़कों की संगत में जाके मैंने मतलब कि सब खराब कर दिया था, और मतलब ड्रिंक वगैरह, स्मोकिंग वगैरह कंटिन्यूसली चलती थी, कोई दिन रात नहीं होता था। बाहर घूमने जाते थे तो मतलब घर का नहीं पता होता था कि मैं घर कब आऊँगा, या घर जाऊँगा भी या नहीं जाऊँगा, ऐसे कुछ हालात बन चुके थे। और जब मैं घर जाता था तो 4 बज मैं देखता था टाइम, तो 4 बज जाते थे। रात को मैं सोता नहीं था, सारी सारी रात मैं फोन चलाता था, पबजी वगैरह खेलता था, और भी मतलब कहने का मतलब और भी बहुत बुरी आदतें थी मेरे अंदर। तो मैं खुद को कोसता भी था कि मैं इन सब चीजों को कैसे बदलूं। मैं परेशान हो चुका था और मैं सब इन सब चीजों को छोड़ना चाहता था, लेकिन मैंने बहुत जोर लगाया, मैं इन सब चीजों को छोड़ नहीं पाया था। मैं 1 या 2 दिन ट्राई करता था, तीसरे चौथे दिन मेरे फिर से वही हालात हो जाते थे। तो
मैं चाहता था कि मैं इन सब चीजों को छोड़ दूं, लेकिन देखो उसके बाद गुरुजी मेरी जीवन में आए और गुरुजी ने मुझे जीना सिखाया और उन्होंने बताया कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है। और उस टाइम मैं नरक में था, वो शायद मेरे पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म मेरे सामने आ गए थे जो मैं पिछले जन्म में जैसे कुछ गलत कर दिया था, इसी वजह से मैं भगवान से अलग हो गया। नहीं तो उससे पहले मैं भगवान शिव को बहुत मानता था, बहुत ज्यादा मानता था। मैं मंडे के फास्ट भी रखता था, मैं शिव पुराण भी पढ़ता था और मैं मंदिर भी जाता था शिव जी के। धीरे 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 करके मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद मुझे खुद पे गुस्सा आता था कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं छोड़ पा रहा था। फिर गुरु जी आए जीवन में, गुरु जी ने सबसे पहले तो मेरे कर्म कटवाए। कर्म कैसे कटवाए? मैं बीमार हो गया। बीमार इसलिए हो गया क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा मतलब नशीली चीजों का मैंने वो किया था। तो फिर उसके बाद मेरे मुझे पीलिया हो गया, उसके बाद मुझे मेरे लीवर में इन्फेक्शन आ गया। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर मेरे को देख के घबरा गया कि इसको क्या हो गया है। जब मैं बीमार हुआ था उन दिनों मैं अपने दोस्त के घर था, मैं उसके पास काम करता था, उसका एक ग्रोसरी स्टोर है तो मैं उसके पास काम करता था। तो मुझे मम्मी ने घर वापस बुलाया। जब मैं घर वापस पे आया तो मेरी मम्मी मुझे देख के घबरा गई थी, तो उन्होंने सोचा कि तेरे को क्या हुआ है। मैं काफी मतलब पतला हो चुका था, मैं बता नहीं सकता कि मेरा जो ये शरीर है वो ऐसा हो चुका था जैसे बूढ़ो बूढ़ों का हो जाता है ना, जो जैसे जो बूढ़े हो जाते हैं, तो ऐसा ही मेरे ही हालात हो गए थे। जबकि मैं अब 23-24 साल का हूं। तो मेरी मम्मी देख के घबरा गई कि एकदम से मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया। तो उन दिनों मेरे दोस्त ने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। उसने एक मतलब लड़की है से उसको पता चला था गुरुजी के बारे में। उसको ऐसे पता चला था क्योंकि उसने एक शादी.com के ऊपर, सॉरी मेट्रोमनी के ऊपर उसने आईडी बनाई थी। तो वहां से उसने उस लड़की के साथ कांटेक्ट किया और उस लड़की की प्रोफाइल पिक्चर के पीछे जो कवर फोटो होती है उस पे गुरुजी की फोटो लगी थी, तो उसने मुझे बताया। उसके बाद जब मैंने देखा तो फिर मैं मतलब इनके बारे में सर्च किया, तो मैंने यूट्यूब पे गुरुजी का मंत्र मैं रोज सुनता था। फिर उसके बाद मैं बीमार हो गया। मैंने गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुने उन दिनों में। पता नहीं सत्संग में ऐसा क्या होता था कि जब मैं सत्संग सुनता था मैं बहुत रोता था। तो मैं घर आया तो मेरी मम्मी बहुत परेशान थी मुझे लेकर, और उनको पता था कि ये गलत चीजों में है। वो यही प्रे करती थी भगवान से कि मेरा बेटा गलत संगत से बाहर आ जाए। और जब मैं डॉक्टर के पास गया तो मैं वहीं चक्कर खा के गिर पड़ा। गुरुजी की उसके बाद ऐसी कृपा हुई कि मैं 3 से 4 दिन बाद मैं नॉर्मल सही हो गया। उसके बाद मेरे पास जितनी भी नशीली चीजें थी मैंने उनको फेंक दिया और मैंने बोला कि आज के बाद मैं इन सब चीजों को टच नहीं करूंगा क्योंकि इन्हीं सब चीजों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। और देखो कोई इंसान सिर्फ अगर नशे करता है, रातों को जागता है, तो उसकी जिंदगी के बुरे हालात तो होंगे ही ना, और उसकी जो बॉडी होती है वो भी धीरे 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 ढलना स्टार्ट कर देती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। फिर गुरुजी ने मेरे को बचाया धीरे धीरे करके, मतलब गुरुजी ने मेरा टाइम टेबल सेट किया, मेरे को गलत लोगों से दूर किया, जो मेरे गलत दोस्त थे, जो गलत संगत में मैं बैठता था, उन सबको मेरे से बिल्कुल दूर कर दिया और मेरे को अपनी तरफ लगा लिया। फिर एक दिन मेरे मन में आया कि मैं ना गुरुजी का स्वरूप मेरे घर पे होना चाहिए। अब मेरी तरफ कोई भी ऐसी संगत नहीं है जो मतलब गुरुजी को ज्यादा मानती हो। और मैंने क्या किया, मैं फोटोग्राफर हूँ तो मुझे पता था कि गुरुजी की फोटो कैसे निकलवानी है। कब मैं गया और मैं लैब में गया, मैंने गुरुजी की फोटो निकलवा ली, फ्रेम करवाई और अपने घर पे ले आया और गुरुजी को हलवे का मैंने प्रसाद खिलाया, मतलब भोग लगवाया। फिर उसके बाद जब रात को मतलब मैंने मम्मी और सिस्टर को बताया गुरुजी के बारे में, तो उन्होंने एक थोड़ा सा हल्का सा मजाक वगैरह कर दिया, मजाक टाइप कर दिया। तो
फिर उससे 2 या 3 दिन बाद वो मेरी सिस्टर के ड्रीम में आ गए। मेरी सिस्टर जो है वो ट्राई कर रही थी कनाडा के लिए, लेकिन उसका काम नहीं बन पा रहा था। उसके बाद उसने इंग्लैंड के लिए फाइल दी, तो गुरुजी उसके ड्रीम में आए और उसको बोले कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम ये सोच रहे हो कि तुमने इतना पैसा लगा दिया और अब तुम्हारा काम नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा काम मैं करूँगा। यू नो लाइक गुरुजी ने बोला कि तुमने प्रॉपर्टी भी ऐसे कर दी, सेल कर दी, तो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे दिन खराब आ गए। तो फिर गुरुजी ने उसको बोल दिया कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ ना। तो हम ना मतलब मेरी मम्मी स्टार्टिंग से ही दुर्गा माता को बहुत मानती है और वो माता की अखंड जोत जला के रखती है। तो गुरुजी ने वो उसने मेरे मुझे बताया कि गुरुजी ने माता रानी को बोला, माता की जैसे मूर्ति पड़ी है, और उनको बोला कि इस लड़की का काम करने की जिम्मेवारी मतलब आपकी है, अगर नहीं होता तो फिर मैं दिखता हूँ, ऐसा करके। तो उसके बाद मेरी सिस्टर जो है 15 से 20 दिन में इंग्लैंड चली गई। तो फिर उसके बाद वैसाखी के दिन थे शायद, वो मंथ था जिसमें वैसाखी आती है, पता नहीं शायद जून जुलाई के दिन थे वो। तो मैं वैसाखी से एक दिन पहले सो रखा था और मेरे राइट हैंड में बहुत ज़्यादा पेन हुआ, और जब मेरे राइट हैंड में पेन हुआ तो मतलब ड्रीम में ही पेन हुआ। नेक्स्ट डे मैं उठा तो मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि आप चलो मतलब बाइक वगैरह रोक रोक के, तो हम मीठा पानी पिला ही रहे थे कि मैंने इतने में एक बाइक को हाथ दिया और उनको पानी का गिलास दिया पीने के लिए। इतने में एक ना बाइक आई पीछे से बहुत तेज, उसने मेरे राइट हैंड पे टक्कर मारी। तो सीरियसली बाइक तेज थी और मेरे हाथ पे जब टक्कर लगी तो मुझे फील भी नहीं हुआ इतना कि हाँ मुझे पेन हुआ या मेरा हाथ टूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि हुआ क्या है। बस वो जो लड़का था जिसने टक्कर मारी थी वो घबरा गया था, वो मुझसे पूछने लगा कि यार लगी तो नहीं आपको, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद जब मैं गुरुजी का कोई सत्संग सुन रहा था तो मतलब कि नहीं हाँ सच हाँ याद आया, मेरी किसी संगत के साथ बात हुई थी इसी बारे में, तो उन्होंने बोला कि आपके जो कर्म है वो गुरुजी ने काट दिए हैं, हो सकता था कि आपका हार्ट टूट सकता था या हो सकता था कि आपके ऊपर मतलब कि कोई ज्यादा एक्सीडेंट होना हो आपका ज्यादा बड़ा, तो वो गुरुजी ने मतलब काट दिया है। तो फिर उसके बाद मतलब मैं हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे जब गुरुजी के सत्संग सुनने लगा तो फिर उसके बाद मेरी आंखों में लोगों के सत्संग सुन सुन के मेरी आंखों में बहुत पानी आता था, मैं बहुत रोता था, मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों होता था। फिर बाद में मुझे पता चला कि इस तरीके से गुरुजी आपकी आत्मा को साफ करते हैं, क्योंकि जब आप भगवान का नाम लेते हो और भगवान का नाम लेके आपकी आंखों में जब आंसू होते हैं, भगवान के सामने आप रोते हो, उससे तो एक भगवान आपके और नजदीक आ जाते हैं, भगवान की तार आपके तार के साथ जुड़ जाती है, और दूसरा जो आपकी आत्मा है वो साफ हो जाती है। तो फिर गुरुजी ने मुझसे मंत्र जाप करवाना चालू कर दिया, और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मना करते हैं माला वगैरह जपने के लिए। तो मैं आप मानोगे नहीं, मतलब 1 घंटे में कम से कम 10-12 माला गुरुजी के नाम की मैं करता था, और कंटिन्यू मतलब 1 घंटा दोपहर को 1 घंटा शाम को है। और फिर उसके बाद जब मैं सोता था तो मुझे सपने में शिवलिंग के दर्शन होते थे, और एक दिन मुझे सपना आया था कि मैं बहुत ज्यादा रो रहा हूँ और मैं एक शिव मंदिर में हूँ, वहां पे शिव जी की मूर्ति है जिसमें आधे गुरुजी हैं और आधे शिव जी हैं, और गुरुजी ने मुझे बोला कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूं हमेशा। और शुक्राना गुरुजी का जिन्होंने इस नरक से निकाला और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने अपनी तरफ लगाया, ये गुरुजी की कृपा है। और फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त के घर गया, वहां पे बैठ के उसके रूम में मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रहा था, और अचानक से गुलाब के फूलों की महक आई। तो मुझे लगा यार गुरुजी आ गए,
इतने में ही ना मतलब मेरे दोस्त ने दरवाजा खोल दिया और मैंने उसको बोला कि भाई अभी गुरुजी आ ही रहे थे, मेरे को उनकी महक आई थी और तूने जो है दरवाजा क्यों खोला है। तो ये जितनी भी कृपा है ये गुरुजी की है, हम कुछ भी नहीं है, सब गुरुजी को अब मैंने समर्पित कर दिया है। और वो भी कोई दिन थे जब मैं रोज मतलब जब मैं फंक्शन से फ्री होकर आता था, मैं ड्रिंक की होती थी और मुझे पता नहीं होता था कि मैं कहाँ हूँ। मेरी आधी बाइक गेट के बाहर खड़ी होती थी, आधी अंदर, और मतलब मैं वहीं पे बाइक खड़ा करके कैमरा वगैरह रख के ऐसे ही सो जाता था, पता नहीं लगता था कि मैं कर क्या रहा हूँ। और गुरुजी ने आज वो सब चीजों को मेरे से दूर कर दिया। मैं बहुत बहुत गुरुजी को शुक्राना करता हूँ इस चीज का कि आपने गलत चीजों से मेरे को छुड़ा दिया। जितने भी मेरे अंदर अवगुण थे वो सब खत्म कर दिए, और जितने भी मैंने गलत काम किए थे, जितने भी मैंने गलत कर्म किए थे उन सबको काट दिया। और गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया भी कि उन्होंने मेरे कर्म कैसे काटे हैं। और मैं एक दिन देखता हूँ ड्रीम जिसमें मेरे गुरु होते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि सुलेख लिखो। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, और वो बोलते हैं कि पहले तुमने बहुत गलत गंदा गंदा लिखा है, अब तुम साफ साफ लिखना सब। और उसमें मैं शिव जी का नाम लिखता हूँ जिसमें जैसे शिव जी महादेव जी ऐसे करके, और फिर बोलते हैं कि हाँ ये अब साफ लिखा है, अब ऐसे ही लिखना आगे। तो ये देखो ये सारी गुरुजी की कृपा है। और मैं ये बोलता हूँ कि जितने भी मतलब मेरी एज के लड़के हैं लड़कियां हैं, वो सब चीजों को छोड़कर सबसे पहले तो मतलब गुरुजी को माने, गुरुजी के ऊपर विश्वास करना स्टार्ट कर दें। जब वो गुरुजी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो जीवन में उनके ऊपर कोई भी कभी भी मतलब उनको ना तो कोई परेशान कर सकेगा, कोई भी उनका बुरा नहीं कर सकेगा, क्योंकि उनके साथ साक्षात शिव जी होंगे। ये ऐसे हमारे गुरु जी हैं। और मुझे लगता है कि आज के टाइम में 90% लड़के और लड़कियां ऐसे हैं जो डिप्रेशन में हैं। कुछ तो मतलब अपनी कुछ लोग अपने कैरियर को लेके डिप्रेशन में हैं कि उनका कैरियर कैसे बनेगा, और कुछ जो है मतलब उनको ये होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नाराज है, मेरा बॉयफ्रेंड नाराज है, तो उस चीज की टेंशन जो बिना मतलब की टेंशन है। और सबसे पहले गुरुजी बोलते हैं कि पहले खुद से प्यार करना सीखो। खुद से प्यार मतलब जब आप आंख बंद करके बैठते हो, या आप मतलब आपके सामने कोई भगवान का नाम लेता है तो आपके सामने गुरुजी का फेस आना चाहिए। उसका मतलब होता है कि आप खुद से प्यार कर रहे हो, क्योंकि हम सब शिव हैं, और जब हम आंख बंद करते हैं तो हमारे सामने उन्हीं का चेहरा होना चाहिए, मतलब गुरुजी का चेहरा आना चाहिए। तो यहाँ से पता चलता है कि हाँ हमें खुद से प्यार है। खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि हम सेल्फिश बन जाएं, खुद से प्यार मतलब करने का मतलब ये है कि हम जब आंखें बंद करें तो हमारे सामने भगवान का चेहरा आ जाए। तो इसलिए सब लड़के और लड़कियों को चाहिए कि वो मतलब दूसरों को छोड़कर मतलब भगवान की तरफ भागें। और इंसान का एक ही सच्चा साथी होता है, वो होता है भगवान। इसलिए हमें भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, खुद को उन पे समर्पित हो जाना चाहिए। जब तक हम सरेंडर नहीं करते तब तक हम जो है कभी भी जीवन में कुछ अलग कर ही नहीं सकते। हम जितनी भी गुरुजी की संगत है हम साधारण नहीं है, हम असाधारण है, और हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ साक्षात भगवान शिव चलते हैं, हमारे साथ 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 भगवान गुरुजी चलते हैं। तो ये हमारे गुरुजी हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम चलते फिरते बैठते गुरुजी का नाम ले सकें। गुरुजी ने कभी भी नियम में बांधा ही नहीं कि आपको नहा धो के आधा घंटा बैठना है, आपको 1 घंटा बैठ के जाप करना है। आप चलते फिरते उठते बैठते भी गुरुजी का नाम सुन सकते हो, नाम ले सकते हो और गुरुजी के सत्संग सुन सकते हो। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप
आप कुछ ये कि आप YouTube पे ओपन करो और उसमें बहुत सारे गुरुजी के सत्संग है, आप वो सत्संग सुनो, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी वो उनका हल आपको सत्संग से मिल जाएगा। क्योंकि मुझे याद है एक बार मैंने एक क्वेश्चन किया था गुरुजी से कि गुरुजी लोग ब्लैक मैजिक वगैरह ऐसा क्यों करते हैं, तो फिर मैंने उसके बाद यूट्यूब पे सर्च किया गुरुजी का सत्संग ऐसे ही बैठे बैठे उसके 2 दिन बाद, और फिर उसके बाद पता नहीं कैसे करते करते जो गुरुजी की डिवाइन बुक है उसका जो चैप्टर है वो मेरे सामने आ गया, जिसमें सुखी आंटी गुरुजी के बारे में बताती हैं एक अंकल को। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि गुरुजी बोलते हैं कि ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं ये इनका कर्म है, और हर एक इंसान का अपना अपना कर्म होता है, जो वो पिछले जन्म में करता है वही वो अगले जन्म में भी करता है, अगर कोई पिछले जन्म में गुरुजी की भक्ति करता है तो उसको अगले जन्म में गुरुजी की भक्ति मिलती है, और अगर किसी ने बुरे काम किए हैं बुरे कर्म किए हैं तो वो अगले जन्म में भी वही हो करता है। तो इसलिए हर एक जो इंसान होता है उसका अपना अपना एक लक्ष्य होता है। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ गुरुजी जो है हमें ऐसे सत्संग के माध्यम से हमें आंसर देते हैं, तो ये एक गुरुजी की ही कृपा है। इसलिए आपको चाहिए कि आप गुरुजी के सत्संग सुन सकते हो, और सबसे पहले आपको चाहिए कि आप गुरबानियां सुनो। जब आप गुरबानियां सुनना चालू कर दोगे तो उसके साथ क्या होगा कि आपका आपके भगवान के साथ कनेक्शन और भी ज्यादा सॉलिड हो जाएगा। गुरबानी में क्या होता है, गुणगान, और जब मतलब गुरबानी कोई गाता है तो उसका मन वैसे भी साफ हो जाता है क्योंकि उसमें गुरु का नाम आता है। इसलिए गुरबानी सुनने से सामने वाले की जो पॉजिटिविटी है, जो गुरबानी गा रहा होता है वो पॉजिटिविटी आपके पास भी आती है, क्योंकि वो जो पावर होती है वो उसके अंदर भगवान डाल रहे होते हैं, और वो मतलब वो जो पॉजिटिविटी है जब उसके अंदर भगवान डालते हैं तभी वो गुरबानी गा पाता है, और जब हम उसकी तरफ से गुरबानी सुनते हैं तो उसकी जो पॉजिटिविटी है हमारे तक भी पहुंच जाती है। तो ये हमारे मतलब गुरुजी हैं, इसलिए गुरुजी बोलते हैं कि गुरबानी सुनना चाहिए, क्योंकि गुरबानी सुनने से भी बहुत कर्म कटते हैं, भजन सुनने से बहुत कर्म कटते हैं, और धीरे धीरे आत्मा जो है वो साफ होती जाती है। और आप देखो कि बहुत कम संगत ऐसी है जो मतलब गुरुजी से सांसारिक चीजें नहीं मांगती, मतलब बहुत सारी संगत ऐसी है सॉरी जो गुरुजी से सांसारिक चीजें मांगती है, लाइक किसी को गाड़ी की जरूरत है और किसी को बेटे की जरूरत है, किसी को किसी की जरूरत है। तो एक संगत ऐसी होती है जो किसी से कभी भी गुरुजी से कुछ नहीं मांगती, जो गुरुजी से गुरुजी को ही मांगती है। तो इसलिए जो वो संगत होती है जो गुरुजी से गुरुजी को मांगती है, तो गुरुजी उसको सब कुछ दे देते हैं, जिसकी उसके दिल में सिर्फ इच्छा होती है, लेकिन वो कभी गुरुजी से जिद नहीं करता। देखो हमारे पेरेंट्स से जब हम 50 रुपये या 60 रुपये मांगते थे बचपन में तो वो हमें उतना ही देते थे, और अगर हम उन जब वो खुश होते थे तो हमें वो उससे ऊपर दे देते थे, है ना। तो ऐसा ही गुरुजी का हिसाब है, गुरुजी हमें मतलब जितना हम मांगते हैं उतना ही देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम नहीं मांगेंगे तो गुरुजी उससे ज्यादा देंगे। ये ऐसे हमारे गुरुजी हैं। इसलिए आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो आप हमेशा गुरुजी से शेयर करो। आप अगर जहां भी हो अगर आप गुरुजी का नाम नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं, आप उनके भजन सुन सकते हो। अगर नाम जपने का टाइम नहीं है आपके पास तो आप उनके भजन सुन सकते हो, आप गुरबानियां सुन सकते हो, और ये चीजें सेम काम करती हैं, मंत्र जाप भी और गुरबानी भी। इसलिए गुरुजी अपने बड़े मंदिर में हमेशा शब्द चला के रखते हैं, और अगर जब आप मतलब किसी को गुरुजी के बारे में बताते हो कि जैसे ये देखो शहद वर्षा हो रही है, कुछ लोग होते हैं जो यकीन नहीं करते,
करते, लेकिन असल में शहद वर्षा होती है, ये मैंने खुद देखा है। एक दिन मेरे ये जो मतलब मेरे घर पे ये जो स्वरूप है, गुरुजी की आंखों से मैंने देखा था कि हल्का 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 पानी निकल रहा था, और मैं सोच रहा था कि देखो ना बरसात हो रही है ना कुछ हो रहा है, लेकिन ये कैसे हो गया। तो जब हम ये सब चीजें दूसरों को बताते हैं तो वो हमारा मजाक उड़ा देते हैं। जब वो हमारा मजाक उड़ाते हैं ना, हमारी अगर पीठ पीछे भी मजाक उड़ाते हैं तो वो हमारे कर्म काट देते हैं, क्योंकि बोलते हैं किसी की निंदा करने से उसके जो कर्म है एक तो वो कटते हैं, और उसके जो अच्छे कर्म है वो आपके पास आ जाते हैं। इसलिए ये गुरुजी ने बोला है कि कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और अगर आप किसी की निंदा करोगे तो आप देखोगे कि जैसे हम झाड़ू के साथ जालों को उतारते हैं ना, वैसे ही दूसरे की जो गंदगी होती है वो मतलब हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए गुरुजी ने बोला है कि कभी भी किसी की बुराई वगैरह नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई गुरुजी के बारे में भी गलत बोलता है तो हमें चुप करके सुन लेना चाहिए, उसको जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका जवाब गुरुजी खुद देंगे। इसलिए हमेशा मतलब कभी भी किसी से गुस्सा होने की जरूरत नहीं है अगर किसी ने गुरुजी के बारे में गलत बोला है। तो इससे बढ़िया ये है कि आप सेकंड टाइम उस इंसान को उस चीज के बारे में बताओ ही ना, हो सकता है कि गुरुजी उसको खुद अट्रैक्ट कर ले। मेरे साथ भी ऐसा आज हो चुका है। आज मैं कहीं बैठा हुआ था तो किसी ने मुझसे पूछा मतलब गुरुजी के बारे में, तो मैंने उनको बताया तो उसने मतलब मजाक वगैरह उड़ा दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, आज के बाद मैं मतलब गुरुजी का जो चैप्टर है वो इनके सामने नहीं छेड़ूंगा, मैंने इनको बताना था बता दिया, अब जो करेंगे वो गुरुजी ही करेंगे, और अब जो है वो गुरुजी के हाथ में है। मैंने आके गुरुजी से बात शेयर करनी थी, देखो ये सत्संग के तरीके से गुरुजी ने ये बात मतलब मुझसे निकलवाई है ना। हो सकता था कि अभी मैं अगर सत्संग ना होता था शायद मैं सो जाता या फिर गुरुजी को ना बोल पाता। तो गुरुजी पहले से प्लान करके रखते हैं, इसलिए उनको पता था कि मेरे साथ शायद आज ये बात होनी है, तो इसलिए उन्होंने मुझसे आज सत्संग करवाया। और इससे बड़ा क्या हो सकता है कि गुरुजी हमारे साथ 24 घंटे चलते हैं, गुरुजी को हर एक बात का पता होता है, और गुरुजी हमारे साथ होने वाली घटनाओं के लिए हमें पहले ही अवेयर कर देते हैं कि आपके साथ गलत होगा, तो वो हमें जो है वो पावर दे देते हैं। जो हमारे साथ 100% गलत होता है ना, तो वो फिर 10% में मतलब चेंज हो जाता है, वो सिर्फ 10% ही गलत होता है, 90% जो है वो गलत चीजें खत्म हो जाती हैं। ये गुरुजी की एक एक ऐसी दिव्य शक्ति है, और गुरुजी के साथ जो है हमेशा, देखो जिस घर में गुरुजी का स्वरूप होता है ना उस घर में मतलब माता रानी का भी पहरा होता है, और उस घर में फिर हनुमान जी का भी पहरा होता है, उस घर में सारी देवी देवता होते हैं, और वो जितने भी देवी देवता हैं फिर वो गुरुजी की आकर आरती वगैरह करते हैं और उनको उनको जो है मतलब उनको पूजते हैं। तो इसलिए ये जो हमारे सामने गुरुजी का स्वरूप, ये सिर्फ स्वरूप नहीं है, ये साक्षात शिव जी बैठे हुए हैं, और गुरुजी खुद कहते हैं कि वो साक्षात शिव जी हैं। इसलिए देखो देवी देवता जो हैं हमसे बहुत जलते हैं, उनके जलने का रीजन यही है कि वो हमारी तरह ऐसे मतलब भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उनको उनको देखो बहुत सारे लोग पूजने वाले हैं, मानने वाले हैं, ठीक है, तो उनको लोगों के काम करने होते हैं, तो हमें तो किसी के काम नहीं करने ना, हमें तो सिर्फ अपने दिन भर के काम वगैरह खत्म करके बैठ के गुरुजी का नाम लेना है। तो इसी वजह से वो हमसे जलते हैं कि हम भक्ति कर पाते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं कर पाते, वो सिर्फ अमर होते हैं, और वो तपस्या भी नहीं कर पाते बेचारे, क्योंकि अगर वो तपस्या करते हैं तो उनके टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लंबा होता है, और हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो जितनी भी मतलब नेगेटिविटी होती है वो कट जाती है सारी, हम गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए देखो मतलब भगवान शिव ने देवताओं को ये बोला है कि ठीक है तुम सिर्फ 6 महीने मेरी पूजा कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ जो भगवान
शिव का ये ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ में, उसकी आराधना तुम कर सकते हो, मतलब उसको मान सकते हो तुम 6 महीने, क्योंकि तब देखो 6 महीने वो मंदिर बंद रहता है और 6 महीने खुला रहता है, और वो जब मंदिर बंद हो जाता है तो जितनी भी देवी देवता होते हैं वो वहां पे जाके उनकी मतलब की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और 6 महीने मनुष्य वहां पे मतलब उनको पूज सकते हैं। तो इसलिए देवताओं को सिर्फ 6 महीने का अधिकार है, वो सिर्फ 6 महीने भक्ति कर सकते हैं, बाकी वो कुछ नहीं कर सकते। और हमें देखो जो इंसान को जो जीवन मिला है, हम जब मर्जी उठ के भगवान का नाम ले सकते हैं, और भगवान का नाम लेने के लिए भगवान ने कोई नियम नहीं बनाया, आप जैसे हो वैसे नाम ले सकते हो, आप नहाए हो तब भी ठीक है, आप नहीं नहाए तब भी ठीक। और तभी गुरुजी ने पंडितों का ये वहम वगैरह जो पंडित वहम में डालते हैं कि आपको एकादशी रखनी चाहिए, आपको एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने, आपको ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता, जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी करवाते हैं। और जो साफ आत्माएं होती हैं उनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, और क्योंकि देखो जो प्योर सोल होती है वो जो मर्जी खाए, चिकन वगैरह को छोड़ के वो जो मर्जी खा सकता है, प्याज वगैरह लहसुन वगैरह, मतलब जो बोलते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, इसका यूज नहीं करना चाहिए घर में, वो सब चीजें कुछ नहीं है। अगर देखो आप इन सब चीजों का यूज नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ आपके दिल में किसी के लिए जेलसी है, आप किसी से जल रहे हो, आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा मतलब कि ऊपर है और मैं यहीं का यहीं हूं, तो आपका प्याज छोड़ने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, आपका लहसुन छोड़ने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। भगवान तो सिर्फ मन की भावनाएं देखते हैं, भगवान आपके खाने पीने को नहीं देखते। तो इसलिए हमेशा हमें गुरुजी की शरण में रहना चाहिए, जो गुरुजी बोलते हैं वैसा ही मतलब सुनना करना चाहिए, और गुरुजी हमेशा हमें ब्लेसिंग्स देते आए हैं। मैं जब से जुड़ा हूँ गुरुजी से, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मैं देख चुका हूँ पिछले 3 दिनों में मेरी जो रोटी है उस पे ओम बना आता है, और मेरे पास ये जो चरण स्वरूप है इसमें गुरुजी ने ओम के दर्शन करवाए, फेस के भी दर्शन करवाए फेस स्वरूप के, और देखो इतना ज्यादा ब्लेस कर दिया गुरुजी ने, अब मेरे अंदर मतलब गलत ख्याल आता भी नहीं। मैं किसी मतलब जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, उनके पास बैठता तक नहीं, और जो चीजें मैं खुद करता था, इतना गुरुजी ने मुझे अब ब्लेस कर दिया है, और मुझे लगता है कि गुरुजी अब मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और जब हम गुरुजी का हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर कभी भी गुरुजी मतलब हमारा हाथ नहीं छोड़ते, वो हमारी परीक्षाएं जरूर लेते हैं। देखो गुरुजी हमें हमें अजमाते हैं कि हम कितना कितना उनपे विश्वास करते हैं, है ना। तो इसलिए हमारी लाइफ में टफ टाइम आता है, और वो टफ टाइम जो होता है वो मतलब हमने जो पहले बुरा किया होता है किसी के साथ, वो ही हमारे सामने आता है, और वो भी मतलब बहुत कम आता है, जो 90% वाला होता है वो गुरुजी उसको खत्म कर देते हैं, सिर्फ जो 10% होता है वो हमारे सामने आता है, और वो भी गुरुजी ने नहीं दिया होता, वो भी हमने खुद किया होता है गलत किसी के साथ, तभी तभी हमारे हमारे सामने आता है। तो उसमें भी हम गुरुजी को बोल देते हैं कि हम आपको इतना मानते हैं, आप हमारे सामने ये टाइम क्यों लेके आए, आप इसको खत्म भी कर सकते थे, ये है वो है, लेकिन नहीं, वो हमने खुद गलत किया था इसलिए हमारे सामने आया है। तो जो भी हमारे साथ गलत होता है, जो भी हम गलत करते हैं, वो हमने खुद किया होता है, वो आपकी जिंदगी में भगवान ही लिख के भेजते, भगवान सिर्फ आपके लिए अच्छा लिख के भेजते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, और हमेशा माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान की तरफ उंगली कभी नहीं उठानी चाहिए कि मैं भगवान को इतना मानता हूँ, भगवान ने हमारे साथ वैसा किया ऐसा किया, ये तो सिर्फ एक मतलब भगवान तो अजमाते हैं वो, इसलिए वो भी मतलब कि आपके 90% जो बुरे काम होते हैं, उन जो बुरे कर्म होते हैं उनको खत्म करके 10% आपके सामने ले आते हैं, वो टाइम आने से पहले, और जिस टाइम पे आपको मतलब कि जिस टाइम पे आपको टफ टाइम आना चाहिए था, उस टाइम पे आपका टफ टाइम नहीं आता, वो ऐसा इसलिए होता है, उस टाइम पे आप खुशियां मना रहे होते हो क्योंकि आप वो 10% पहले ही काट चुके होते हो, वो गुरुजी पहले ही कटवा देते हैं आपसे। तो इतनी मतलब कि इतने पावरफुल हैं गुरुजी, और शिवपुराण में
मैंने पढ़ा है कि जब ब्रह्मा जी भगवान शिव से बोल रहे थे सृष्टि रचने के लिए, तो भगवान शिव ने बहुत सारे मतलब कि जितने बहुत सारे रुद्र देव जो होते हैं उनकी सृष्टि कर दी। तो उन्होंने फिर ब्रह्मा जी ने बोला ये तो नश्वर सृष्टि है, ये तो कभी मतलब कि खत्म ही नहीं होगी, आप मनुष्यों की सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी ने बोला था, तो भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से बोला कि आप करो वो काम, मनुष्यों को आप बनाओ, बाकी उनको भव सागर से पार उतारना मेरा काम है, और मैं गुरु रूप में आकर उनको मतलब कि संसार रूपी सागर से तार दूंगा। भगवान शिव ने ऐसा बोला था। तो देखो भगवान शिव हमारे पास कलयुग में हमें हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वो कटवाने के लिए आए और हमें अपनी तरफ जोड़ा। इंसान जो होता है वो कभी भी अपनी मर्जी से भगवान का नाम नहीं ले पाता। हर एक इंसान के अपने एक इष्ट देवता होते हैं, तो वो जो इंसान होते हैं वो इसलिए उनके साथ ऐसा होता है कि उनको भगवान ने पहले से चुन रखा होता है, इसीलिए वो भगवान का नाम ले पाते हैं। तो इसलिए गुरु जी जो हैं जब हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमारे मतलब इन सब चीजों को कर्मों को काट देते हैं। और मुझे लगता है कि मेरा शायद बैटरी लो हो चुकी है, गुरुजी ने मुझे लगता है कि इतना ही सत्संग करवाना था, और अगर कुछ मैंने गलत बुरा बोला भी हो तो गुरुजी मुझे माफ कर देना, संगत जी मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला है क्या नहीं, सब कुछ गुरुजी ने बुलवाया है, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने इतना ही सत्संग करवाना था।